पूरे देश में से लगभग 250 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स पहली बार जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर डीजीपी आईजीपी लेवल की मीटिंग जो है वो हो रही है। ये मीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑर्गेनाइज करवाता है। इस बार ये मीटिंग 5 जनवरी से 7 जनवरी तक होगी। इसके 2-3 मुख्य उद्देश्य हैं। सबसे बड़ी बात जो इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी, जो नए कानूनों में बदलाव लाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है इन कानूनों में बदलाव जो है 26 जनवरी तक नोटिफाई कर दिए जाएंगे। तो देश भर से आए पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो फर्स्ट हैंड जानकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसरों और 2 सीनियर पॉलिटिशियंस यानी प्रधानमंत्री और खुद केंद्रीय गृह मंत्री से इसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं कि किस तरह से इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, खास करके जो गैप्स हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी लॉ न्यू सिस्टम पूरा ओवरऑल किया गया है। तो इस करके किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अगर कोई गैप्स रह जाते हैं तो उन्हें किस तरह से ब्रिज किया जाएगा। साथ में कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो स्टेट्स जो हैं वो मांग रही हैं ताकि इन लॉज को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड जो हैं अब डिजिटाइज किए जाएंगे, फोरेंसिकली एविडेंस जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। तो कुछ स्टेट्स की इन सभी बातों को लेकर कुछ रिसोर्सेज की भी मांग है। तो यही सभी मुद्दों पर जो है इस बैठक में चर्चा की जाएगी। खासकर इस बैठक में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो डीप फेक्स है, उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से पुलिस इन्हें अपने लिए इस्तेमाल कर सकती है एंटी सोशल एलिमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, और किस तरह के चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने जब वो क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है इस तरह के डीप फेक्स के मामले में लेकर। इस बार जो है लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, तो कुछ जो स्टेट्स हैं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने रेड फ्लैग्स रेज किए हैं, उस बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा होने की उम्मीद है। ये जो मीटिंग है, ये प्रधानमंत्री इस मीटिंग में 3 दिन रहेंगे और जो है खुले तौर पर जो चर्चा है, जो डिस्कशंस हैं, एक्सरसाइजेस जो हैं वो लगातार होती रहती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री भी इस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को एड्रेस करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री जब ये मीटिंग ख़त्म होगी यानी संडे को, उससे पहले ये एड्रेस करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि ये मीटिंग बार हो रही है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ये मीटिंग्स बाहर ही हो रही हैं। 2014 में ये जो मीटिंग है गुवाहाटी में हुई थी, 2015 में रन ऑफ कच्छ में, 2016 में हैदराबाद नेशनल पुलिस एकेडमी में, 2017 में बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में, और 2018 में केवड़िया गुजरात में, 2019 में पुणे में, और 2021 लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर्स में, और 2022 में ये जो मीटिंग है नेशनल कल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स पूसा दिल्ली में हुई थी। अब ये जो बैठक है पहली बार राजस्थान में होने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि सभी पुलिस कर्मियों को जो नए लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसके बारे में और ज्यादा जानकारी इस मीटिंग में मिल पाएगी। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।